मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक सलीम सारंग ने घोषणा की है कि मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिलाने के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए वो तैयार हैं। ऐसी घोषणा मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में मुस्लिम आरक्षण पर की गई आयोजित एक चर्चा में की गई। महाराष्ट्र राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिक्षा में 5% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। यह निराशाजनक है और हमारी समुदाय द्वारा की गई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अब रास्ते पर उतरकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा इशारा सलीम सारंग ने सरकार को दिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए मुंबई से हमारी खास खबर। आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर यहाँ पर पत्रकार परिषद ली गई, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? देखो, मुद्दे ये है कि मुसलमानों को भी एजुकेशन की राइट है, जैसे हर जमात हर मजहब को राइट है, वैसे मुसलमान को भी राइट है। आज मुसलमान है जो एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ है, आर्थिक हालत में मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाह रहे हैं कि मुसलमान को जो माननीय हाईकोर्ट ने मान्यता दी थी 5% आरक्षण, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि काफी गवर्नमेंट आई है, किसी ने इसकी अमल बजावनी नहीं की है। अब जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मुसलमानों को 4% देने जा रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5% देने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आज पत्रकार परिषद में आप लोगों ने ये मुद्दा तो रख लिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे अभी? इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि काफी सालों से मुसलमान आरक्षण पे काफी एनजीओ झगड़ा ये मुद्दा रखते हुए आई हुई है, और हमने ये सोचा कि ये सारे एनजीओ को साथ में लेकर एक आवाज बने और इस बार गवर्नमेंट के कान पे ये बात जानी चाहिए कि आप जो भी अपनी मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मुसलमान उसको वोट करे, फिर बाद में आके मुसलमानों को ये ना कहे कि हम वोट जियाद किए। मुसलमान उसी को वोट करेगा जो उसके बारे में सोचेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम आरक्षण अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी मुसलमान उसी को वोट करने जाएगा। अधिवेशन भी चल रहा है, वर्षाकालीन अधिवेशन चल रहा है, आप लोग अपनी बात, अपना रिजर्वेशन की बात किस तरह पहुंचाएंगे? अभी देखिए, हम ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद माननीय गवर्नर साहब के पास हम एक डेलीगेशन लेके जाने वाले, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास एक डेलीगेशन जाएगी, ये प्रस्ताव रखेंगे। अगर उन पे हमारी देखना है कि उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हम इसको ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं। इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट को कोई कोऑपरेशन नहीं रहेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने वाले हैं हम। सर, आज की जो पत्रकार परिषद है इसमें कहां कहां से लोग यहां पर आए हैं वो बताइए थोड़ी जानकारी। नांदेड़ से आए, औरंगाबाद से आए, और नासिक से आए, नंदुरबार से आए, बुल्ढाना से आए, ऐसे औरंगाबाद से आए, लातूर से आए, मुख्तलिफ जिले से आए, 16 लोग आए हैं, अभी और 20 लोग आने के बाकी है। तो हमने अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कॉल की है, इसके बाद में एक एक जगह एक एक जिले में जाएंगे और वहां तमाम लोगों से बात करेंगे, प्रोफेशनल लोगों से बात करेंगे, मस्जिद के इमामों से बात करेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद में अगर हमारी बात को नहीं मानती सरकार तो हम रास्ते पर आने पर मजबूर हो। लेकिन सरकार की चाहत नहीं है तो इलेक्शन के रहेंगे आप लास्ट मोमेंट पे? हम यही नहीं, मुद्दा उठाने इसका जवाब मैं देता हूँ। ये मुद्दा कोई नया नहीं है, 2 मिनट, ये मुद्दा हम लोग ने पिछले साल भी अधिवेशन में उठाया था। उस वक्त माननीय अजीत दादा पवार ने हमसे कहा था कि ये हम आने वाले बोर्ड मीटिंग में गवर्नमेंट में ये हम रखने वाले ये मीटिंग में, लेकिन उन्होंने हमारे वादा खिलाफी की गवर्नमेंट ने और ये मुद्दा नहीं रखा, इसीलिए हमने मुद्दा आज फिर उठाया इसको। और ये मुद्दा कि जो आरक्षण 5% का कोर्ट आपको देती है और सरकार नकारती है, इसमें क्या गवर्नमेंट का मंशा नहीं? सरकार ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमान के वोट लेने के लिए जब हमारा वोट चाहिए रहता है तो ये मुद्दा देती है और गवर्नमेंट हमको बोलती है कि हम आपको 5% देने वाले, हम वोट देते हैं उसके बाद बदल जाती है, लेकिन इस बार हम उसी को वोट देंगे जो हमारा ये मुद्दा मानेगा। बीजेपी की बात नहीं कर रहे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के अलायंस जो हुकूमत महाराष्ट्र में थी उन्होंने भी हमारे 5% के जो रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए थे उन्होंने भी हमारा काम नहीं किया है।
तो आज के हम ये कह देना चाहते हैं, अगर आप भी उद्धव ठाकरे जी का आप खिलाफत करके उतरेंगे, देखिए अगर हमारे पास जो भी हमारे मुद्दे की बात नहीं करेगा हम उनके खिलाफ रहेंगे। नहीं नहीं ये ऐसा है, अभी इसको ही मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को 5% पे आरक्षण पे सपोर्ट करेगी, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, अगर बीजेपी इस बात पर मानने तैयार होती है तो मुसलमान उनके साथ खड़ा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मराठी मुसलमान साहब मुसलमानांचं उपद्रव्य मूल्य कमी झालेला आहे, महाराष्ट्रामध्ये सगळी ताकद लावून शिवसेनेला चर्चा करणं आगे क्या करणं जर सरकार हो गया ना करके आपको छोड़ना है क्या? नहीं 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 अगर ऐसा तो बोल दो। अरे नहीं ना आगे बढ़े सलीम भाई, ऐसा नहीं हा ठाकरे किंवा काँग्रेस भाजप नाही आहे, विशेष समजून घ्या, आम्हाला 5% आरक्षण कोर्टाने दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला, ज्या कायदे संविधान संमत आरक्षण आम्हाला मिळू शकतं ते जर हिसकवण्यात आलं आहे तर त्याच्यासाठी आम्ही कोणाचीही बांधील नाही, आम्ही कोणाच्याही विरोधात जाऊ शकतो, तो XYZ व्यक्ती म्हणून आम्ही त्याला इथे उल्लेखित करू इच्छित नाही। जो हमारे